की अच्छी शुरुआत के लिए दिन की शुरुआत करें अच्छे व्यायाम के साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ। जिम जाइए, पार्क में घूमने जाइए, वॉकिंग पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, पुशअप्स करिए, पुलअप्स करिए, कुछ भी करिए। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते रहिए। जो मैंने बताया वो करिए, या जो आप योगा या कुछ भी करते हैं आप वो करिए। इसी के साथ आप फिट भी रह सकेंगे, हेल्दी भी रह सकेंगे, और फिट रहेंगे तो बाकी सब चीजें भी आसानी से कर सकेंगे। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन। और क्योंकि ये हमारी सूर्य नगरी है तो यहाँ पे शाइन कुछ ज्यादा ही है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, पीसीबी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। जो गर्मियां होती है वो ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही हार्श होती है। ऑयली स्किन होती है, हमेशा चिपचिपापन सा चेहरे पे बना रहता है, पसीना आता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, पोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं स्किन के, क्योंकि इतना ज़्यादा आप स्वेट करते हैं। और एक शाइन जो होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के जहाँ तक देखा गया है थोड़ी सी भी डर्ट होती है वो चेहरे पे स्टिक हो जाती है। और उसी के साथ दिन के अंत होते होते हमारा चेहरा जो है वो काला लगने लग जाता है। मेरी खुद की ऑयली स्किन है, खूब सारे फेस वॉश वगैरह ट्राई किए, लेकिन जो नेचुरल रेमेडी है वो नेचुरली होती है। तो मैं आपको एक होममेड नेचुरल रेमेडी इससे बचने के लिए बताना चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ लड़के यूज़ करेंगे, मल्टीपर्पस है, मिस्टर मिस मिसेस कोई भी इसको यूज़ कर सकता है आसानी से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ और कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और पास में जो एक बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मैं आ गया हूँ जिम से घर पे, और अब मैं चाह रहा हूँ नहाने, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरली घर पे बैठे हुए होममेड जो टिप है जिससे आपकी ऑयली स्किन बिल्कुल चुटकियों में फ्रेश हो जाएगी। खैर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक बार में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई झूठे वादे नहीं है। जिस तरह से 11 बजे के बाद टीवी पे दिखाते हैं बिल्कुल सच्ची चीज है, आप अपना के जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने रात को 11 बजे के बाद के स्लॉट के जो एड्स आते हैं अलग अलग तरीके के हर चैनल के ऊपर, जो कि अलग अलग चमत्कारिक प्रोडक्ट्स बेचने का दावा करते हैं, अगर आपने वो देखा है ना तो आपने सब कुछ देख लिया। समझ लीजिए एक छोटी से छोटी चीज का इतना बड़ा बड़ा दावा होता है ना। लेकिन ये जो नुस्खा है ना वो फालतू का दावा नहीं करता है, सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं खुद भी, मेरी खुद की ऑयली स्किन है तो गर्मियों में मैं जरूर ट्राई करता हूँ। तो ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये चीज एक प्रोडक्ट के रूप में रात को 11 बजे के बाद अगर मैं टीवी पे सबको दिखा रहा होता तो मैं उसको कैसे दिखाता? पहले मैं बहुत ही परेशान था, मेरी ऑयली स्किन ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। इतना ऑयल तो अरब देशों के कुओं में भी नहीं था जितना मेरी स्किन में था। मुझ पे भी जीएसटी लगने ही वाला था, पर तभी मुझे मिला मेरा खुद का, किसी और का नहीं, मेरा खुद का घरेलू अचूक नुस्खा जो कि ऑयली स्किन को यूं मिटा देगा और स्किन पे ग्लो ला देगा। तो बिना टाइम गवाए देख लीजिए आप कि इसे बनाना कैसे है, और उसके बाद में बनाने के बाद मैं बताऊंगा कि इसे लगाना कैसे है। आ गया है वो समय जब मैं आपको महंगे महंगे स्किन ट्रीटमेंट या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट से बचाऊं और होममेड और बहुत ही जबरदस्त तरीका या नुस्खा बताऊं। सबसे पहले इस होममेड नेचुरल फेस पैक को बनाने के लिए जो जो चीजें काम में आएगी वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले है दही, जो कि आसानी से हम सबके घरों में उपलब्ध होता है, दही है। दूसरा है मैदा, ये भी आसानी से हर घर में आपको मिल जाएगा। तीसरा है शहद, ये भी बहुत आसान है और आसानी से उपलब्ध है। चौथा है केसर, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा और आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये है नींबू का रस, और आखिर में ये है खीरे का रस, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा और उपयोगी है। अच्छा, ये जो दही है, क्योंकि अभी गर्मियां चल रही है तो मैं दही यूज कर रहा हूँ। अगर इसी पैक को आप घर पे बना रहे हैं और सर्दियों में बना रहे हैं तो आप दही की जगह या तो दूध या फिर मलाई का उपयोग कर लें।
और इसमें अगर एक और चीज आप एड ऑन करना चाहते हैं तो गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल और मिला लें तो ये और भी अच्छा बनेगा। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने पहले यहाँ पे ले लिया है एक बाउल, प्लास्टिक बाउल है आपके पास, जो भी हो, जो भी उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए। इसमें डालूंगा मैं मैदा, मैदे के बाद में इसमें हम डाल देंगे दही। बहुत ही आसान है सब कुछ डाल के, और आपको बस इसे आसानी से मिक्स कर देना है। इसमें हम डालेंगे खीरे का जूस, ये गर्मियों में बहुत बेस्ट रहता है गाइस, और ये है लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे हनी, शहद, आजा भाई जल्दी आजा, और आखिर में हमारे केसर के कुछ फ्लेक्स। अब बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे अपने हाथों से मिला लेना है, हाथों से आराम से इसे मिक्स कर लें अच्छे से, बिल्कुल एक पेस्ट। थोड़ा सा इसे पतला ही रखें, ज्यादा गाढ़ा ना कर लें, इसे बस इस तरह से धीरे धीरे हाथों से मिक्स करते रहें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ज्यादा बन जाए तो टेंशन ना लें, अगर ज्यादा बन जाता है तो उसे फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में ना रखें तो मैं कहूँगा अपने ही किसी के घर वाले के चेहरे पे लगा दें, वो भी चमक जाएगा। तो और अगर बच जाए तो इसे फ्रिज में रख लें, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, खराब नहीं होगा ये, अगले दिन भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। ये है वो नेचुरल फेस पैक जो कि अभी हमने बनाया था, इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, स्किन पे लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको लगा के बताता हूँ, और इसको लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक आप अपने से फेस पे रखिए, सूख जाएगा, उसके बाद आराम से पानी से धो दीजिए और आप चमक जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मुंह पे लगा लिया है फेस पैक। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, और 5 से 10 मिनट के बाद में हम इसे धो लेंगे। तो मिलता हूँ 10 मिनट बाद। ऑलराइट, तो 10 मिनट हो चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सूख चुका है, और यहाँ तो केसर भी दिख रही है। तो अब स्किन खींचने लग गई है, तो अब मैं जाके इसको जल्दी से धो के आ जाता हूँ और फिर मैं आपको वापस आके बताता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मुंह को धो लिया है, तो इसको पोंछ भी लेता हूँ, और देखिए काफी फ्रेश सा फील हो रहा है, जैसे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, हमें फ्रेशनेस फील होती है, तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। और मैं ये नहीं कहता हूँ एक बार में बहुत ही खतरनाक रिजल्ट आ जाएगा आपको, एक दिन छोड़ के, एक दिन या दो दिन छोड़ के वापस से इसको लगाना पड़ेगा, कुछ टाइम तक लगाइएगा, बिल्कुल 101% आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा आपकी स्किन के अंदर, और नेचुरल तरीका है, इससे आपको कोई हार्म भी नहीं पहुंचेगा, तो ट्राई करने में क्या अर्ज है। अगर यदि आप सीधा सीधा स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं और आपके आंखों पे जोर पड़ रहा है, तो वो मेरे चेहरे की ही चमक है, अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट मत कीजिए, मेरा चेहरा चमक उठा है जिस वजह से आप स्क्रीन को सीधा नहीं देख पा रहे। सो विद दैट बीइंग सेड, ये था थोड़ा सा ग्रूमिंग वाला वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक बेल आइकन निकलेगा तो उसे बजा लेना। इसी के साथ होता है वीडियो का अंत, और अगले वीडियो तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, इस ग्लोइंग स्किन के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।